संबल जनपद के चंदोसी में समाजवादी पार्टी द्वारा धरती पुत्र एवं सपा के नेता मुलायम सिंह यादव संरक्षक समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री जी का जन्मदिन सादगी से चंदोसी के पंजाबी धर्मशाला में मनाया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सभी ने उनके स्वास्थ्य मंगलमय जीवन की कामना की। जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने नेताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कार्यकर्ताओं से कहा, नेताजी को शुभकामनाएं के रूप में कार्यकर्ता एवं नेतागण माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाकर जिला महासचिव किशन मुरारी शंकरधर ने कहा कि कार्यकर्ता जिला संभल की सभी सीटें जिताकर माननीय नेताजी को तोहफे के रूप में कार्यकर्ता जिला संगठन पदाधिकारी देंगे। सपा नेता सतीश प्रेमी ने मुलायम सिंह के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी एवं केक काट कर 2022 में जोड़ जाने का आह्वान किया। सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर कर समाजवादी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक लहराने का काम किया। आज कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बूथ पर जाकर वोट बढ़ाने का काम करें। कार्यक्रम में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताजी, आपने आज जन्मदिन के रूप में कोई कार्य किया है, क्या पूरा मामला बताएं? आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था और चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में यह जन्मदिन हमने किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी पूरे देश में नेता कहलाए, धरती पुत्र कहलाते हैं, किसानों के नेता कहलाते हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि आज पूरे प्रदेश में चुनाव भी सन्निकट है, भारतीय जनता पार्टी धोखे में लेकर के किसानों के आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, अगर खत्म नहीं कर पाए तो उन्होंने तीन जो काले कानून थे उन्हें वापस लेने की घोषणा की है। ये छल, फरेब, मक्कारी है। हम ये जानना चाहते हैं, आज किसान संकल्प दिवस के मौके पर हम लोगों ने संकल्प लिया, किसानों ने, सब लोगों ने, कि इस आंदोलन में जो 700 लोग खत्म हुए, शहीद हुए, संत बाबा राम सिंह जी जैसे संतों ने अपने आप को खत्म कर लिया, इस आंदोलन के लिए शहीद कर शहादत दे दी, उस आंदोलन को किसानों को धोखे में नहीं आने देंगे। किसानों को उनके वाजिब हक दिलाएंगे, उनको जिस अधिकार के 700 लोगों ने अपनी जान दी, वो किसी भी तरह से हम उस किसानों को बिल को सफल नहीं होने देंगे। ये केवल किसान जो बिल वापस लेने का मामला है, केवल इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव ना होते तो किसान बिल वापस होने की भी घोषणा नहीं करती। उन्होंने कलराज मिश्री जी ने और बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा भी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा हम लेकर के आएंगे। आज जो संकल्प दिवस मनाया किसानों का, हम तमाम किसानों समाज पार्टी के नेताओं ने, असगर अली अंसारी जिला अध्यक्ष थे, जिला महासचिव, जिले की पूरी टीम थी, चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने आज के मौके पर संकल्प लिया है कि हम किसानों के आंदोलन के लिए, उन शहादत देने वाले 700 किसानों के लिए इस किसान आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे और जब तक उनका वाजिब हक नहीं मिलता चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन किसान की लड़ाइयों को खत्म नहीं होने देंगे। यही आज हमने खुशी का जाहिर भी किया, केक भी काटा और संकल्प भी लिया। नेताजी, आपने आज मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज हमारी पार्टी के संरक्षक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का राष्ट्रीय जन्म दिवस है, उसको लेकर के आज हम लोगों ने जिला समाजवादी पार्टी की ओर से बहजोई के अंदर जो हेडक्वार्टर है हमारा, और आज हमारे पार्टी के नेता भाई सतीश प्रेमी जी के आयोजन में किसान संकल्प दिवस के रूप में आज हम लोगों ने अपने नेता का जन्मदिन मनाया है, और हम लोगों ने और हमारी पार्टी के नेताओं ने ये संकल्प लिया है कि जब हमारे नेताजी का अगला जन्मदिन आएगा तो उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का लक्ष्य हम लोगों का है और उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने नेताजी का जन्मदिन मनाएंगे।